मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे विदर्भ में सबसे बड़ा रावण गोंदिया में बना हुआ है, जिसकी रावण की हाइट है 101 फीट, और इधर आप देख रहे हैं मेघनाथ की जो हाइट है 51 फीट है मेघनाथ की हाइट। और गोंदिया में और पूरे विदर्भ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना हाइट का गोंदिया बन रहा है यहाँ पे, और स्थान है टीबी टोली गायत्री मंदिर के सामने में बन रहा है ये। रावण को जलाने के पीछे जो कथा है वो तो ऐसा है कि पुरातन काल में जो बताई गई है कि बुराई का अंत, बुराई के अंत का, और श्री राम जी जब अयोध्या वापसी आए थे तो माता सीता को लाने के बाद में जो रावण का वध के बाद की प्रथा चल रही है ये। मैं सभी जो लोग आदिवासी समाज के लोग जो रावण जी, रावण का जो कहते हैं कि ये हमारे दैवत है, इनकी हम पूजा करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो शासन और प्रशासन ने ये साबित करना चाहिए कि रावण एक्चुअल में आदिवासी है करके, या तो इनका प्रमाण पत्र साबित करे जिन लोगों ने इनके बारे में ऑब्जेक्शन लिए है। दूसरी चीज कैसा है कि रावण मैं शुरू से जब बचपन से मैं खुद देखते आया और सुनते आया हूँ, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि रावण ब्राह्मण थे। अब किस तरह से ब्राह्मण थे और किस तरह से आदिवासी थे ये तो वही लोग बता सकते हैं जो लोग उनका ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है, तो रावण बनाने के लिए हमने छत्तीसगढ़ से कुछ कर्मचारियों को बुलाया, और यहाँ के जो उद्घाटक है माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल है। यहाँ पे जबलपुर की हमने आतिशबाजी बुलाए, और 101 फीट का रावण है और मेघनाथ 51 फीट का है। शाम को 7:30 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, जो 10 बजे हम इसे समाप्त कर देंगे। गोंदिया में हमने कभी देखे नहीं है कि यहाँ पे कभी मेघनाथ या कुंभकर्ण ऐसा कुछ बना है, लेकिन बड़े शहरों में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे सभी जगह में 2-2, 3-3 मेघनाथ या कुंभकर्ण इस प्रकार के बनाते हैं। हम लोग का भी उद्देश्य यही है कि हम भी शहर में, हमारे गोंदिया शहर जैसे छोटे से शहर में, हम कोशिश करें कि हम भी कुछ इस प्रकार का नया जो बड़े शहरों में होता है, तो हम उसको ही देखते हुए हमने ये बनाया।